स्पेशल मलाई चाप। हाँ जी सर, ये मसाला चाप है। ये मसाला चाप होगी, ये अफगानी चाप है। तो दोस्तों ये देखिए, ये लग रहा है वड़ा पाव। ये वड़ा पाव बॉम्बे महाराष्ट्र का फेमस है और दाबेली गुजरात की फेमस दाबेली है। सो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई डिश के साथ, एक नई जगह पे। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत फंटास्टिक होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत बढ़िया फूड ट्राई करने वाले हैं, बहुत बढ़िया फूड टेस्ट करने वाले हैं। आए कहाँ हैं हम, ये बता दूँ आपको। जो जलंधर का ज्योति चौक है और नेहरू गार्डन की तरफ जो रोड जाती है, जीटी रोड बोलते हैं उसको, उसी के बीचों बीच प्लाजा चौक है, वहीं पर हम आए हैं। और यहाँ पे हम डिफरेंट फूड ट्राई करेंगे जो कि अपने आप में बहुत मशहूर फूड है। चलिए फिर हम मिलते हैं फिर फूड के साथ। ये वड़ा पाव है बॉम्बे की डिश, गुजराती दाबेली है। इसमें शकरकंदी वगैरह सारा मसाला अंदर मिक्स होता है, उसके बाद में पाव के बीच में वगैरह लगा के, फिर इमली की चटनी हो गई, हरी मिर्च वगैरह सारे हो गए डिश, मीठी चटनी हो गई, सारा ये अपने तैयार करके आप खुद ही लगाते हैं इधर। सर बढ़िया क्वालिटी देते हैं ग्राहक को, अमूल बटर हर चीज़ वगैरह बढ़िया क्वालिटी। हाँ जी हाँ जी, ये अमूल बटर है। ये अमूल बटर है। वाह जी वाह, क्या बात है जी। गाइस अमूल बटर यूज हो रहा है इसमें। और ये देखिए पाव लग रहे हैं। ये घाटी मसाला हो गया अपने। ये मसाला कौन सा मसाला? ये घाटी मसाला। घाटी मसाला बॉम्बे का स्पेशल मसाला है, घाटी मसाला। ओके। और ये वड़े हो गए अपने। ओके अच्छा। हाँ जी, एक पाव में एक लगता है। हाँ जी, एक पीस लगता है। जो वड़े में क्या होता है, आलू होते हैं क्या? हाँ आलू होते हैं, अंदर मसाला वगैरह सारा कुछ मिक्स अच्छा, होता है आलू का। हाँ, मसाला सारा। हाँ जी हाँ जी, इसको सारा कुछ तैयार करना पड़ता है। ओके, तैयार करके ये रेडी हो गया है। अब ये रेडी हो गया, ये कस्टमर का गाइस रेडी हो रहा है वड़ा पाव, और ये पैक हो रहा है। ये देखिए, सो वड़ा पाव ऐसे तैयार करते हैं ये गाइस। एक बार आइए ज़रूर, बहुत मशहूर है बॉम्बे का वड़ा पाव यहाँ का। तो ये क्या चीज़ है जी? ये सर दाबेली। दाबेली जो आपने बोला गुजरात की। हाँ जी। अच्छा, इसको भी ऐसे रेडी करते हैं। इसमें क्या क्या डलता है? इसमें सर अनार, गिरिया वगैरह, भुजिया वगैरह, ये अच्छा, सारा कुछ है। अनार डलता है? अनार जो अच्छा, अनार के दाने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उसमें भुजिया? हाँ भुजिया डलता है, गिरिया डलती है। गिरिया मूंगफली की? हाँ मूंगफली की गिरिया। अच्छा। हाँ जी। और चटनी वगैरह? चटनी ग्रीन चटनी डलती है, इमली की चटनी डलती है। अच्छा, क्या बात है। हाँ जी। लुक गाइस, ये दाबेली। वड़ा पाव का क्या प्राइस है? 30 रुपीस। 30 रुपीस का एक वड़ा पाव। हाँ जी। और दाबेली का क्या प्राइस है? 30 रुपीस, दोनों का सेम है। दोनों का 30 रुपीस है। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है। दोनों क्वालिटी बढ़िया रखी हुई है और 30 रुपीस रखा हुआ है वन पीस। दोनों टेस्ट कराएंगे सर, वड़ा पाव और दाबेली। अच्छा। हाँ जी चलो ठीक है जी, करते हैं। आप देखते हैं कि भी क्या खास बात है, यहाँ पे इतना रश होता है। करते हैं दोनों टेस्ट। ये सर अपनी स्पेशल मलाई चाप अपनी है। ये स्पेशल मलाई चाप। हाँ जी सर, ये मसाला चाप है। ये मसाला चाप होगी। ये अफगानी चाप है, येलो वाली। ये अफगानी चाप। ग्रीन वाली पुदीना चाप है। पुदीना चाप ग्रीन वाली। सर ये मशरूम टिक्का है। मशरूम टिक्का। और स्पेशल पनीर टिक्का जी। ये स्पेशल पनीर टिक्का। हाँ जी सर। हेलो गाइस, ये है इनका फूड आर्डर। ये सर हमको हो गए यहाँ पे 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ जी सर। क्या नाम है? ये पहलवान जी चांप वाले। पहलवान जी चांप वाले। हाँ जी सर। अच्छा, 8 साल से चला रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप यही शुरू से यही वाला रोस्टेड ही दे रहे हो? हाँ जी सर, हम रोस्टेड का ही काम कर रहे हैं शुरू से। अच्छा, ये स्पेशल आपका यही है? हाँ जी सर। तो सबसे ज्यादा क्या कस्टमर पसंद करता है इसमें से? सबसे ज्यादा सर यहाँ पे तो मलाई चांप ज्यादातर लाइक करते हैं। हाँ जी सर। ये है मलाई। हाँ जी सर। ये देखिए, ये मलाई चांप है, ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे। और सबका प्राइस सेम ही है? चाम का सर सेम है, मशरूम और पनीर और अफगानी इसका 80 का, हाफ फुल 150 का है। ओके ठीक है। चलो गाइस करते हैं हम टेस्ट। तो गाइस आ चुका है वड़ा पाव और दबेली, बड़ी स्पेशल चीज़ है ये, गुजरात की ये डिश है।
और ये है आपको पता है वड़ा पाव बॉम्बे का। ये है मसाला चाम, मलाई चाम, मशरूम और पनीर टिक्का। इसको करेंगे हम टेस्ट, थोड़ा थोड़ा डलवाया पाव काफ़ी कलर करते हैं वड़ा पाव। लुक ये देखिए जाओ, अरे ये है ना बढ़िया नज़र आ रहा है। अब इसको चटनी से थोड़ा सा लगाते हैं, इधर हरी मिर्ची भी दिया साथ में। ये देखिए बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, इसमें डाला हुआ हरी चटनी और इसमें वड़ा और नीचे ये मसाला। ये देखिए एक बार करते हैं दोबारा। ये देखिए बहुत बढ़िया। यकीन मानिए पंजाब में जलंधर शहर में वड़ा पाव ग्रेट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या है? दबेली। मैं पहली बार देखी है ये मैंने डिश, ये गुजरात की है। ये देखिए गाइस कैसे स्टफिंग की हुई है। मुझे यहाँ पे पीनट्स नज़र आ रहे हैं, अनार के दाने कहते डालते हैं, भुजिया डालते हैं और मसाले हैं सारे। इसको देखते हैं। अलग ही टेस्ट था, फर्स्ट टाइम खाया। गुजरात की डिश है ये दाबेली, बहुत बढ़िया। यकीन माने बहुत बढ़िया। गुजरात वालों दाबेली ये खा रहे हैं हम पंजाब में जलंधर शहर में। ये आप देख रहे हैं बन रहा है, धड़ाधड़ लाइन लगी हुई है। आ जाओ सारे यहाँ पे खाने, जलंधर शहर के लोगों को कह रहा हूँ कि आइए टेस्ट कीजिए और मज़ा लीजिए। करते हैं इसको फिनिश सारा, मिलते हैं फिर। ये है मसाला चाम, मलाई चाम, मशरूम और पनीर टिक्का। इसको करेंगे हम टेस्ट, देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले करते हैं मसाला चाम। ये देखिए गाइस बहुत बढ़िया, बढ़िया रोस्ट हुआ है, बहुत बढ़िया रोस्ट किया हुआ है, एकदम नरम सॉफ्ट है। मलाई चाम देखते हैं क्या कहती है। ये देखिए चटनी के साथ देखते हैं। वाह पनीर टिक्का, ये देखिएगा इस पनीर टिक्का डिलीशियस। और लास्ट में बट नॉट लीस्ट मशरूम, गाइस बढ़िया, बेहतरीन फूड। एड्रेस आपको बता दिया, जीटी रोड ज्योति चौक के पास, नेहरू गार्डन स्कूल की तरफ, बिल्कुल प्लाजा चौक है सेंटर में, वहाँ आइए। ये तीनों कार्ड एक साथ लगी मिलेंगी आपको, वड़ा पाव और पाव भाजी और साथ में रोस्टेड सोया चाम और पनीर टिक्का। वाह आ जाओ सारे, एक एक करके टेस्ट करते जाओ, बढ़िया जी। सो इसको करते हैं फिनिश। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, आपकी फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, बहुत सारे फूड आपको दिखाएंगे। सो इजाज़त दीजिए अपने दोस्त गगन नारंग को, मिलते हैं नई जगह और नए फूड के साथ। बाय बाय, टाटा।